ओके okay, तो मेरा नाम मयंक तहल है और आज हम कोडफोर्सेस राउंड 866 डिस्कस करने वाले हैं। 866 प्रॉब्लम ए बी सी डी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम ए से। इस प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कि हमें पास दो तरह के एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसमें हमारे पास दो तरह के करेक्टर्स हैं, एक सुपरस्क्रिप्ट और एक अंडरस्कोर। और हमें एक वैलिड ये बताना है कि हम गिवन स्ट्रिंग को वैलिड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। वैलिड स्ट्रिंग का इसमें वैलिड स्ट्रिंग वो है जिसमें कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी करेक्टर, एक कोई भी करेक्टर से हम स्माइल बना सकते हैं। मतलब कि कोई भी करेक्टर है, या तो इस तरह का कोई पेयर बना सकता हो या इस तरह का, तो हमें कंसिडर करने हैं। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इससे हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाएगा कि अगर एक स्ट्रिंग को हम इस सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं तभी वो वैलिड होगी, वरना नहीं होगी। लाइक हम ए को देखते हैं। वहाँ पे सीधे रखा है, तो अगर हमें इसे वैलिड सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है तो हमें इसे जैसे कोई भी हमारे पास अंडरस्कोर है तो हमें उससे पहले और बाद में सुपरस्क्रिप्ट डालना होगा। तो ऐसे इसमें हमें कैसे करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास 5 अंडरस्कोर है इसमें, तो हमें सबके पहले और बाद सुपरस्क्रिप्ट डालना होगा। तो लाइक पहले का आंसर ये होगा, इसमें ये मिनिमम नंबर ऑफ हमारे स्टेप्स में हमारे पास ये सीक्वेंस बन जाएगा जिसमें हर करेक्टर स्माइल में आ रहा है। अब लाइक इसमें लाइक हम थर्ड टेस्ट केस देखते हैं, उसमें कैसे कर सकते हैं, हम बस लास्ट में एक सुपरस्क्रिप्ट डाल सकते हैं। तो हमें बस क्या करना है, हर अंडरस्कोर के लिए पहले और बाद में एक सुपरस्क्रिप्ट का साइन डालना है, उससे हमारे पास केस हो जाएगा। और इसमें एक केस बचता है, अगर मान लो सिर्फ एक सुपरस्क्रिप्ट हमें दिया हुआ है तो हमें एक और सुपरस्क्रिप्ट डालना होगा ताकि ये स्माइली का पार्ट बने, वरना नहीं बनेगा ये। और इसके बहुत सिंपल होगा, सिंपल सा प्रॉब्लम है ये। इसके लिए मेरा एक कोड है, जैसे पहले स्ट्रिंग मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ 1 है और सिर्फ पहला इकलौता करेक्टर उसमें सुपरस्क्रिप्ट है तो मैं 1 आउटपुट कर दूंगा, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ एक सुपरस्क्रिप्ट ऐड करना है और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर ऐसा नहीं है तो मैं उसमें काउंट हर अंडरस्कोर के लिए चेक लूप कर रहा हूँ पूरी स्ट्रिंग में, और उसके लिए चेक कर रहा हूँ कि अंडरस्कोर है हर अंडरस्कोर के लिए, कि अगर उससे पहले हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट का साइन है तो अगर हमारे पास उससे पहले सुपरस्क्रिप्ट का साइन नहीं है तो मैं वहां पे एक साइन ऐड कर रहा हूँ, और उससे बाद भी चेक कर रहा हूँ कि अगर उसके बाद हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट का साइन नहीं है तो अब भी मैं ऐड कर रहा हूँ। और जब भी मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसमें मैं आंसर प्लस प्लस कर रहा हूँ, जो हमारा टोटल आउटपुट होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। सो इसमें बताता था ना, अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम बी। सो इसमें हमें दिया हुआ है कि एक हमारे पास स्ट्रिंग दी हुई है बाइनरी स्ट्रिंग एन लेंथ की, और जैसे हमें कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग दी हुई है एन लेंथ की, अब उसमें हमें पास एन ऑफ n-1 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अब n-1 ऑपरेशंस में क्या करना है, जैसे हमें हर ऑपरेशन में स्ट्रिंग को एक राइट साइड को राइट शिफ्ट करना है हर बार, तो इसमें कैसे हो जाएगा, जैसे अगर हम इसे एक बार राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास नई स्ट्रिंग आएगी 11011, एक और बार शिफ्ट कर रहे हैं तो 11101, हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग बनती होगी, बनती रहेगी। ये हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है n-1 टाइम्स, तो हमारे पास ये फाइनल स्ट्रिंग आएगी ऐसे। अब हमें इसके बाद बताने क्या है, अब जैसे हमारे पास ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स बन जाएगी, अब हमें इसमें बताना है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की उसमें सारे वंस हो। तो उसके लिए हम इसे कैसे कर सकते हैं, लाइक हम इसे ऐसे ना करके a1 a2 के फॉर्म में देखते हैं, a1 a2 a3 a4 a5। अब ऐसे बनाते हैं तो हम ऐसे देख सकते हैं, मान लो कि हमारे पास ये पता चल गया कि इसमें हमारे पास मैक्सिमम सबसीक्वेंस पता चल गया कि a1 a2 a2 a3 a3 ये तीनों वन है, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल कैसे बन सकता है, या तो उस रेक्टेंगल में सिर्फ a2 a3 a4 आएंगे, ये तीनों से एक रेक्टेंगल बनेगा, इसका साइज क्या हो जाएगा 3, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं यहां से हम a3 a4 ले लें और यहां पे हम a2 a3, तो हमारे पास 2 2 क्रॉस 2 के 2
टू क्रॉस टू का एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसका साइज हो जाएगा 4. बेसिकली क्या करना है, हमें सबसे लंबा सब सेगमेंट निकालना है जिसमें सारे वंस हो. मान लो उसकी लेंथ आती है m हमारे पास, तो हमारा आंसर जैसे इसमें था a2 a3 a4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, m by 2 into m plus 1 by 2. इस साइज का हमारा सबसे बड़ा रेक्टेंगल बनेगा. और इसके अलावा हमारे पास एक केस क्या होगा, मान लो अगर m सारे वंस हैं, हमारे पास सारे वंस हैं तो इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी फाइनल उसमें भी सारे वंस होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा n क्रॉस m, n into m, अगर सारे वन है तो. इसके हम को कहते हैं लाइक m से निकालेंगे कि सब m में हम निकालेंगे कि सबसे सबसीक्वेंस निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे मैक्सिमम सबसीक्वेंस की जिसमें सारे वन. तो हम सबसे पहले a को डुप्लीकेट कर देंगे, इसमें लेंथ मैक्सिमम लेंथ निकाल लिए, तो हम इटरेट करेंगे लेंथ तक टू लेंथ. हमारे पास ये m आ जाएगा मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबसीक्वेंस इन सारे वनों, पर अगर इसमें इससे हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम लेंथ इसमें सारे वनों. अब इसमें हमें क्या करना है, अगर मान लो m n के इक्वल है मतलब सारे वंस हैं, तो हमें बस आउटपुट करना है n into m. ऐसा नहीं है, आंसर होगा इसमें एक मैट्रिक्स जैसे हमने पहले बोला था, तो हमारा आंसर होगा m by 2, m plus 1 by 2, plus 1 by 2. हमारे पास पता चल, इससे हमारे पास आ जाएगी सबसे बड़ी मैट्रिक्स का साइज जिसमें सारे वंस हो. एक बार कोड भी देख लेते हैं, तो ये है, इसमें मैंने सबसे पहले निकाल रखा है कि सबसे आंसर में सबसे पहले निकाल रखा है कि सबसे मैक्सिमम सबसीक्वेंस जिसमें सारे वन हो उससे निकाल लिया. अब अगर वो n से बड़ा है तो फिर हमारे पास सिंपली n into n आउटपुट करना है. अब इसमें n मैंने डबल ले रखा है तो इसलिए ऐसे n by 2 कर रहा हूँ मैं, उससे हमारे पास वैसे n into n आउटपुट करना है, पर ऐसा नहीं है तो हम आंसर by 2 वो आउटपुट कर देंगे लेंथ प्लस 1. ठीक है, तो ये b हो गया. c पे चलते हैं. c में को थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम लगा था, इसमें हमें एक एरिया दे रखा है और हमें कहा हुआ है कि हम उस एरे दे रखा है और मैक्सिमम मान लेते हैं उसका हमें उसका मैक्स वन से बढ़ाना है और हम उसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि हम एक सब सेगमेंट चूज करेंगे और उसमें सब सेगमेंट के सारे एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर केस से रिप्लेस कर देंगे. इस ऑपरेशन के बाद हमें इस एरे का मैक्स इंक्रीज करना है बाय वन. तो यह क्या लाइए, जैसे हम इसका पहला टेस्ट देखते हैं 1 to 1. जैसे हमें पता है कि इसका मैक्स 0 है, तो हमें इसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिससे हम इसका मैक्स 1 से बढ़ा सकते हैं. लाइक 0 है तो फिर इसका मैक्स अब 1 होना चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद. तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, 1 2 0, हमने इस 1 को 0 से प्लेस कर दिया तो इसका मैक्स क्या हो गया, हमने तीनों को 0 से प्लेस कर दिया तो अब इसका मैक्स 1 हो जाएगा. तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं तो हमारा आंसर यस आ जाएगा. अब ऐसे दूसरे केस में देखते हैं 0 2 2 0. जैसे इसका इनिशियली मैक्स 1 है
तो अब अगर हम इन दोनों टू को वन से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा मैक्स ऑफ टू आ जाएगा। अब इसे भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, पर अगर हम इस केस को देखें 3202 इसका भी मैक्स वन है, हम इसे किसी भी तरह से इसका मैक्स हम टू नहीं बना सकते क्योंकि इसमें टू प्रेजेंट, वो हम देखेंगे क्यों नहीं बना सकते। लाइक अभी हम जनरल केस लेते हैं, जैसे हमें एक एरे दे रखा है A1, A2, A3, A4, A5, हमें पता है इसका मैक्स वन है, इसका मैक्स मैक्स है, तो हमें इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है ताकि हमारे पास एक नया एरे बने जिसमें जिसका मैक्स हो मैक्स प्लस वन। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, लाइक हमारे पास ये पता है कि अश्विन ओके, सो हमें इसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है ताकि हमारे इसका मैक्स मैक्स प्लस वन हो जाए। तो हम उसके हमें ऑपरेशन क्या दे रखा है कि हम एक इसमें से एक सब सेगमेंट चूज कर सकते हैं और उस सब सारे सब सेगमेंट का हम K से रिप्लेस करना है। तो हम K की जगह हम इसमें मैक्स से रिप्लेस कर देंगे, हमारे इसमें K की वैल्यू पता चल गई, इससे हमें K मैक्स से रिप्लेस करना होगा हमें ताकि मैक्स प्लस वन हो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि हाँ तभी हमारा मैक्स उससे वन से इंक्रीज होगा। तो जैसे हमारे पास ये एरे है 0, 1, 2, 5, 6, हमारे इस पे पता है इसका मैक्स है हमारे पास 3। अब अगर हमें इसका मैक्स 4 बनाना है तो हम 5 और 6 को 3 से रिप्लेस कर देंगे, हमारा मैक्स 4 बन गया। इसमें दिक्कत क्या है, अब मान हम किसी भी एक एलिमेंट को भी कर सकते हैं, लाइक इस केस में हम सिर्फ 5 को भी करते हैं तब इसका मैक्स 6 ही होगा। पर इसमें दिक्कत क्या है, मान लो जैसे हमने इसमें भी इसका मैक्स हमारे पास 4 हो गया, हमने इसे 3 से प्लेस किया था, अब यहां पे 6 की जगह 4 होता। That is a lie. How much does Oscar have? हमने इसमें 3 से प्लेस 5 को 3 से प्लेस किया था तो वो हम नहीं कर सकते थे क्योंकि अब इसका मैक्स 5 हो जाएगा जो हमारे लिए अलाउड नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि हम एक सबसेगमेंट चूज करेंगे जिसमें हमें सबको मैक्स से रिप्लेस करना है और हमें ये भी देखना है कि उसमें कोई मैक्स प्लस वन एलिमेंट ना हो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। तो हम इसमें इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कंडीशन बना लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई एरे है, जैसे ये एरे था A1, A2, A3, A4, A5, तो हम इसमें देख लेंगे कि मैक्स प्लस वन सबसे पहले कौन सी, अगर मैक्स प्लस वन अकर हो रहा है तो सबसे पहले कौन सी पोजिशन पे अकर हो रहा है, तो हम उस सब एरे को भी रिप्लेस कर देंगे सिर्फ। लाइक हम मान लेते हैं, जैसे हम ये लेते हैं, यहाँ पे 4 है, तो मैक्स प्लस वन सिर्फ यहाँ पे फिफ्थ पोजिशन पे अपियर हो रहा है, तो फिर हम सिर्फ उसे 4 से 3 से रिप्लेस कर देंगे, बाकी को कैसे छोड़ेंगे। तो हमारे पास इसका मैक्स 4 हो गया, ये चाहिए था हमें। और अगर मान लो हमारे पास ये केस होता है, तो सबसे पहले मैक्स फर्स्ट पोजीशन पे अपीयर हो रहा है और उसके बाद फिफ्थ को, तो फिर हमें फर्स्ट टू फिफ्थ सारे एलिमेंट्स को 3 से रिप्लेस करना होगा। सो हमारे पास नया एरे बनेगा 0, 3, 3, 1, 2, अब इसका मैक्स 4 हो गया, तो हम यही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्स निकाल मैक्स वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम इस एरे का मैक्स स्टोर कर लेंगे। ठीक है, हम इसका कोड देख लेते हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले एक एरे इनपुट लिया, अब हम उसका मैक्स निकालेंगे इस एरे का,
हमने मैक्स में स्टोर कर लिया इस एरे का मैक्स. अगर हम देखते हैं कि अगर इस एरे में मैक्स प्लस वन वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अब अगर मैक्स प्लस वन नहीं है प्रेजेंट तो हमारे एरे कैसे होगा. जैसे हम मेरे मैक्स मानते हैं थ्री है, तो इसमें जीरो वन और टू एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और जो बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे वो थ्री फोर से बड़े होंगे, तो फाइव और सिक्स ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे. हम क्या कर सकते हैं, हम इनमें से किसी भी एक एलिमेंट जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है जीरो वन टू के अलावा किसी भी एक एलिमेंट को थ्री से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा मैक्स आ जाएगा. पर अगर मान लो हमारा एलिमेंट हमारा एरे ऐसा है, हमारे एरे में सिर्फ जीरो वन टू है, तो हम इसमें से किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वरना हमारे एरे का मैक्स हमारे जैसे हमने मान लो इसमें वन रिप्लेस किया थ्री बनाने के लिए थ्री से, तो हमारे एरे का मैक्स वन ही हो जाएगा. तो हमें देखना है कि हम तभी रिप्लेस कर सकते हैं जब एन की वैल्यू मैक्स से ज्यादा हो. तो अगर इस केस में अगर n की वैल्यू मैक्स से ज्यादा होगी तो हम यस आउटपुट करेंगे वरना नो आउटपुट करेंगे. अब हम पहले वाले केस पे आते हैं कि अगर मैक्स प्लस वन प्रेजेंट है तो हमें जो भी सब एरे है जिस सब मिनिमम सब एरे जिसमें मैक्स लाई कर रहा है मैक्स प्लस वन लाई कर रहा है हम उस पूरे को मैक्स से रिप्लेस कर देंगे. तो इसे हमने फाइंड किया मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाउंड करी जहाँ पे मैक्स लाई कर रहा है और उसमें हम क्या कर रहे हैं सबको मैक्स से रिप्लेस कर रहे हैं. अब हमने मैक्स से रिप्लेस किया और उसके बाद इसे करने के बाद इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद हम अपने न्यू एरे जो बनाए हम उसका मैक्स निकालेंगे MEX निकालेंगे. अब अगर जो हमारी नई वैल्यू आई है अगर वो पुरानी वाली वैल्यू से एग्जैक्टली वन ज्यादा है तो हम यस आउटपुट करेंगे वरना नो. हाँ तो इसमें यही था. एक पार्ट रिपीट करना मैक्स प्लस वन प्रेजेंट इन द एरे. मैक्स प्लस वन कैसे आया? सबको रिप्लेस कर दे रहा था विद मैक्स प्लस वन से राइट और चेक कर रहा था. हाँ सॉरी मैक्स रिप्लेस कर दिया था सबको ठीक है और फिर मैं चेक कर रहा था कि उस एरे का मैक्स मैक्स प्लस वन है तो प्रूव कर रहा था लेकिन ये काम नहीं किया. तो फिर आपका कोड एक बार रिपीट करना ना कि इफ मैक्स प्लस 1 इज प्रेजेंट. मैंने भी ये किया है वो तुम मुझे अपना कोड भेज देना इसके बाद शायद तुम्हारे कोड में गलती होगी. लॉजिक तो यही है अगर मैक्स प्लस 1 का पहला और आखिर में निकालेंगे हाँ उन सबको फिर मैक्स से रिप्लेस कर देंगे उसके बाद हमारा जो नया रे आएगा उसका अगर उसकी जो नया मैक्स आया है वो पुराने से एक ज्यादा है तब हमें यह आउटपुट करना है वरना नो. अब मे बी शायद तुमने इसमें ये वाला केस मिस कर दिया होगा जब मैक्स प्लस 1 प्रेजेंट ही नहीं आ रहे में तो वो वाला उस वाले केस में अगर n की वैल्यू मैक्स से ज्यादा है तब हमें यस आउटपुट करना है वरना नो. तो मे बी शायद तुम्हारे में ये वाली गलती हो सकती है. ये तुमने किया था? नहीं हाँ ये भी किया था मैंने. हाँ अगर ये किया था तो फिर मुझे अपना मीटिंग के बाद कोड भेज देना उसमें शायद कोई गलती होगी वरना लॉजिक तो सही है. ठीक है सर. ठीक है तो वैसे मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो जैसे मैंने पहले एरे इनपुट किया हुआ है तो अब मैं उसका मैक्स निकाल एरे इनपुट किया तो अब मैं मैप की हेल्प से उसका मैक्स निकाल रहा हूँ. अब मैंने मैक्स निकाल लिया उसका तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि अब हमारे जो पुराना एरे था उसमें मैक्स प्लस वन प्रेजेंट है या नहीं. अब अगर मैक्स प्लस वन प्रेजेंट नहीं है तो हम बेसिकली क्या करेंगे अगर एन की वैल्यू मैक्स से ज्यादा है तो हम यस आउटपुट करेंगे वरना नो आउटपुट करेंगे. और अब पहले वाले केस पे आते हैं अगर हमारे एरे में मैक्स प्लस वन प्रेजेंट है तो हम मैक्स प्लस वन जहाँ पे भी प्रेजेंट है वहाँ पर पहला इंडेक्स निकालेंगे और आखिरी इंडेक्स निकालेंगे और उस पूरे सब एरे को हम मैक्स से रिप्लेस कर देंगे. हमने इसे रिप्लेस किया और उसके बाद हम नया एरे उसका मैक्स निकालेंगे. अब अगर हमारे पास जो नई वैल्यू आई है वो पुराने वाले की एग्जैक्टली मैक्स प्लस वन की इक्वल है तो हम यस आउटपुट करेंगे वरना नो. तो बस इसमें इतना था. हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं डी द बच्चा. ओके तो ये मुझे काफी अच्छी प्रॉब्लम लगी थी. इसमें हमें क्या दे रखा है इसमें हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है h into v height का. अब उसमें क्या बोला है हम n minus 1 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. इसने n minus 1 ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं. हर ऑपरेशन में क्या कर रहा है एक जो हमारे पास अभी रेक्टेंगल है उसमें या तो वर्टिकल कट लगाएगा या हॉरिजॉन्टल कट लगाएगा कि जो हमारे पास नए रेक्टेंगल्स बने हैं उनकी हाइट ऑफ विथ एग्जैक्टली इंटीजर्स हो. तो कट लगाने के बाद क्या करेगा एक जो पीस है उसे अपने बैग में रख लेगा और दूसरे पीस पे वापस ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा. तो हम इसमें दे रखा है कि
हर ऑपरेशन हमारे पास टोटली एन रेक्टेंगल्स बनेंगे, तो हमारे पास सारे रेक्टेंगल्स के हाइट ऑफ विड्थ दे रखी है। अब हमें उसमें बताना है कि इनिशियल हाइट ऑफ विड्थ क्या पॉसिबल थी कि हमारे पास ये रिजल्ट आए। हाँ तो उसके लिए देखते हैं, जैसे हमारे पास हम मान लेते हैं इनिशियल रेक्टेंगल हमारे पास ये था, तो हमारे पास इसमें दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इसमें वर्टिकल कट लगा दें, अब हम वट या हम इसमें हॉरिजॉन्टल कट लगा दें। अब हम इसमें ये चीज इसकी हाइट h है और विड्थ w। अब हम इसमें ये चीज दे सकते हैं, अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल कट लगाया है, वर्टिकल कट लगाया है, तो हमारे पास कम से कम एक ऐसा रेक्टेंगल तो जरूर होगा जिसकी हाइट h हो और वही वही मैक्सिमम हाइट होगी जो भी किसी बॉक्स की हो सकती है। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम वो सारे रेक्टेंगल्स निकालेंगे जिनके हाइट h है। जैसे हम इसमें क्या हो सकते हैं, अब हमने निकाल लिया, अब जैसे हमारे पास c कट हो गया था, तो अब ये बॉक्स हम इसे हटा देते हैं। हमारे पास क्या बचता है, अब जो बॉक्स बचा है उसमें या तो हॉरिजॉन्टल कट लगा सकते हैं वापस ये। अब इसने हॉरिजॉन्टल कट लगाया तो हमारे पास वापस एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी हाइट h होगी, तो हम उसे भी हम हटा देंगे। अब सारे हॉरिजॉन्टल कट हो चुके हैं, अब मान लो ये वर्टिकल कट लगाता है, तो अब जितने भी हमारे पास रेक्टेंगल्स बनेंगे उन सब की हाइट h से कम होगी। तो हमें इसमें एक चीज पता चलती है कि जो अगर इसमें पहला इसने हॉरिजॉन्ट वर्टिकल कट लगाया था, तो हमारे पास कम से कम एक रेक्टेंगल ऐसा जरूर होगा जिसकी हाइट h हो। सेम ऐसा हॉरिजॉन्टल कट के बारे में भी है, अगर इसने सबसे पहले अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट लगाया था, तो इसका सबसे कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसकी विड्थ w होगी। तो इसमें हमारे पास दो केसेस बनते हैं। हाँ और एक और चीज, जैसे हमारे पास ये दे रखा है सबकी सारे रेक्टेंगल्स की हाइट ऑफ विड्थ दे रखी है, तो हम इसे ऐड करके हम इनिशियल रेक्टेंगल की हम टोटल वॉल्यूम टोटल एरिया निकाल सकते हैं। जैसे हमने सबको ऐड किया, तो उससे हमारे पास एक टोटल एरिया मिल गया, हमने टोटल एरिया निकाल लिया। तो इससे जैसे हमें पता चला था कि इसकी मैक्सिमम हाइट एच हो सकती है, तो हमारे बोर्ड की हाइट भी एच होगी, तो हम इससे विड्थ भी पता चल जाएगी बोर्ड की क्या है, वो हो जाएगी एरिया बाय एच। तो हमारे पास एक केस बन गया एच हाइट एच जिसमें हाइट एच हो सकती है और विड्थ एरिया बाय एच। सेम ऐसा हॉरिजॉन्टल कट में भी होगा, हमारे पास एक केस आएगा जिसमें इसकी हाइट हो सकती है एरिया बाय डब्लू और विड्थ हो सकती है डब्लू। हमारे पास सिर्फ ये दो केस पॉसिबल हैं, उसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये दो केसेस पॉसिबल हैं। अगर इसे ये सारे बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, तो ये सारे रेक्टेंगल्स क्रिएट करने हैं, तो हमें बस ये चेक करना है कि ये दो केसेस पॉसिबल है या नहीं। अगर ये पॉसिबल हुए तो हम इसे बस आउट कर देंगे। जैसे तो हम इसमें देखते हैं, हां एरिया बोन h और एरिया बोन w कैसा है, एक बार ये मतलब रिपीट करोगे क्या? ये मतलब h को मैं एरिया बोन w और एरिया बोन w कोमा w कैसे आया, मतलब ये क्या, मतलब क्या कंडीशन कि यही दो केस होंगे, मतलब कैसे पता चला ये? अच्छा हाँ एक और ठीक है, फिर एक बार देखते हैं। जैसे हमारे पास ये था रेक्टेंगल था, इनिशियली रेक्टेंगल था, तो हमने इसमें पहला हॉरिजॉन्टल कट लगाया, तो हमें ये तो पक्का पता चल जाता है कि एक रेक्टेंगल ऐसा जरूर होगा जिसकी विड्थ डब्लू होगी। ठीक है, ये पता चलता है तुम्हें, ये समझ में आता है? ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो टोटल एरिया है, हमारे पास टोटल एरिया की वैल्यू हम निकाल लिया हमने, वो एरिया है, क्योंकि हमारे पास ये पता है कि अगर हमने जो इनिशियल रेक्टेंगल था इसे हमने काफी सारे पार्ट्स में बांटा था, तो उसका टोटल एरिया भी इनिशियल एरिया के इक्वल ही होगा। तो हम इससे टोटल एरिया निकाल लेंगे इनिशियल रेक्टेंगल का जो था, बस इनको सम करके इन सब के एरिया को, तो हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है एरिया पता है और हमें पता है कि विड्थ क्या है हमारे रेक्टेंगल की, तो हमें उससे हाइट निकाल सकते हैं ना। हाइट सिंपली क्या हो जाएगी, एरिया बाय डब्लू। समझ में आया? हाँ ठीक है। तो बस तो एक केस तो ये हो गया कि अगर हम पहला वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं, तो हमारे पास एक केस होगा कि रेक्टेंगल की इनिशियल हाइट हो एरिया बाय डब्लू और उसकी विड्थ हो डब्लू। अब इसमें डब्लू क्या है,
डब्ल्यू इसमें से इन सारे रेक्टेंगल्स में से मैक्सिमम विड्थ है जो हो सकती है। अभी हम इसमें चेक करना पड़ेगा कि वो ये वाला केस पॉसिबल है या नहीं, ये जो हमने भी देखा है एरिया बाय डब्ल्यू ये वाला केस पॉसिबल है या नहीं, हम उसके लिए भी चेक लगाएंगे। पर हमारे पास ये पक्का पता चल जाता है कि हमारे पास सिर्फ ये दो केस पॉसिबल हैं, जिस हमारे पास सिर्फ ये दो केसेस पॉसिबल हैं। अब हमें बस इन पे चेक करना है कि ये इनकी पॉसिबिलिटी पे चेक करना है ये वाला केस है हो सकते हैं या नहीं, इनके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो हमें चेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने ये वाला लिया, सबसे पहले हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट लगाया था, तो हमें इससे पता चलता है सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी हाइट डब्ल्यू हो, और ऐसे हो सकता है कि हमने एक और बार हॉरिजॉन्टल कट लगाया हो, फिर एक और बार डब्ल्यू विड्थ का हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो सारे रेक्टेंगल्स हटा देंगे जिनकी विड्थ मैक्सिमम हो, हमने वो कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या केस बन सकता है, हमने ये सारे हटा दिया तो हमारे पास अब ये रेक्टेंगल बचा है। तो अब इसमें अगर इसने इसके बाद पक्का हॉरिजॉन्टल कट नहीं लगाया हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कट को लगाता तो उसके पास एक और रेक्टेंगल बचता जो डब्ल्यू विड्थ का होता, पर अगर वैसा नहीं है तो फिर ओनली पॉसिबिलिटी क्या बनती है, वर्टिकल कट। अब जो वर्टिकल कट बचेगा उसमें इसकी हाइट क्या होगी, जो हमने इनिशियल कैलकुलेट करी थी एरिया बाय डब्ल्यू वो हाइट हो गई, h इज इक्वल टू एरिया बाय w माइनस जो हमने रेक्टेंगल्स रिमूव करे हैं उनकी हाइट। जैसे मान लेते हैं इसकी हाइट h1 है, जो हमने रिमूव करे हैं उन सबकी टोटल हाइट h1 है, तो हमारे पास ये पता चल गया कि इसकी हाइट होगी h माइनस h1। तो बस हमें अगर ऐसा पॉसिबल, अब हम बस चेक करना होगा कि ऐसा कोई रेक्टेंगल पॉसिबल है या नहीं है कि जिसकी हाइट h माइनस h1 हो। अगर पॉसिबल है तो हम रिकर्सिवली आगे देखते चले जाएंगे। अब आगे अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल मिल गया जिसकी हाइट h माइनस h1 है तो हम इसे भी रिमूव कर देंगे, हम आगे वाले पोर्शन में देखते चले जाएंगे। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम मतलब कि केस पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर हम क्योंकि अगर हमने ऐसा किया था तो हमारे पास जो नया रेक्टेंगल बनना था वो उसकी हाइट पक्का h माइनस h1 होनी चाहिए थी, क्योंकि इनिशियल हाइट h थी और हमने जो रेक्टेंगल रिमूव करे हैं उनकी हाइट h1 थी। तो इससे जो हमारे पास नया रेक्टेंगल बना है उसकी हाइट h माइनस h1 होनी चाहिए थी। अगर ये पॉसिबल है तो हम इसे बस आगे रिकर्सिवली चेक करना है, उससे हमें आंसर पता चल जाएगा। ऐसे हम इन दोनों केसेस के लिए करेंगे, इन दोनों केसेस परफॉर्म करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं, हमें बस वो आउट करना है। तो हाँ, इसके अंदर सपोज करो हमने मतलब हॉरिजॉन्टल कट भी मार दिया, देन जो दो साइड आई उनके ऊपर हमने डब्ल्यू कट भी मार दिया, मतलब वर्टिकल कट भी मार दिया, तो हमारे पास ना तो एग्जैक्टली डब्ल्यू है ना एच है, तो मतलब उस केस में कैसे होगा ये, लाइक वो ऐसा नहीं कर सकते हम। इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है जैसे हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कट मार दिया पहले तुमने जैसे, तो हमारे पास ये दो बॉक्सेस बने, दो हमारे पास रेक्टेंगल्स बने हैं, तो हमें इसमें से एक रेक्टेंगल को छेड़ना नहीं है, एक रेक्टेंगल को बॉक्स में रख, एक रेक्टेंगल को अपने बैग में रख लिया है। तो जैसे हमने इस वाले कट को हटा दिया, इस वाले कट को हमने बैग में, इस वाले रेक्टेंगल को हमने बैग में रख दिया, तो हम सिर्फ इस पे कट मार सकते हैं, इस वाले रेक्टेंगल पे हम कुछ नहीं कर सकते, पहले वाला जो रेक्टेंगल। ओके, मतलब एक रेक्टेंगल से दो बना लिया, अब एक को हमें ऐसे कैसे रखना पड़ेगा, एक के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, ठीक। हम इसके लिए आप कोड लिखेंगे, कोड लिखने में हम इतना पता चल रहा है कि इसमें रिकर्सिवली कोड लिखना पड़ेगा तभी पॉसिबल है। तो कोड हम एक फंक्शन बनाएंगे बूल, उसमें वेक्टर दे देंगे और एक इटरेटर दे देंगे, इटरेटर दे देंगे और हाइट एंड वेट। हमें क्या करेंगे, हाँ हम इसे ट्रेटर से ये डिफाइन कर रहे हैं कि हम पहला कट हॉरिजॉन्टल मार रहे हैं या वर्टिकल। जैसे हमने पहला कट मान लो हम ट्रेटर की वैल्यू 1 है, तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमने पहला कट हॉरिजॉन्टल मारे हैं। अगर ट्रेटर की वैल्यू 2 है
इसका मतलब है कि पहला कट जो हमने मारा है वो वर्टिकल है। तो अगर मान लो पहला कट हॉरिजॉन्ट, हम इसके सूडो कोड देख लेते हैं कि अगर हमने पहला वर्टिकल कट मारा है तो उसके लिए क्या होगा। तो हमने चेक, हमने पता चल गया कि हमने, अब हमने जैसे हमने यहाँ पे देखा था, जैसे हमने पहला अगर कट वर्टिकल माना है तो हमें उसकी हाइट पता चल गई है, इनिशियल हाइट क्या हो सकती है पॉसिबली, वो बस इनका क्या होगा जो हमें भी रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं उन सबकी मैक्सिमम हाइट, उन सबकी हाइट का मैक्सिमम होगी। तो जैसे हमारे पास ये केस है 1 2 3 5 1 3, तो इसमें हमारे पास जो एक केस बनता है जिसमें हम पहला वर्टिकल कट मानते हैं, तो उसमें हमारे पास केस क्या बनेगा 3, जिसमें उसकी हाइट 3 हो सकती है, सिर्फ 3। तो उससे हमारे पास इसकी हाइट पता चल जाएगी, इसका पहला इंस्टेंस मिल जाएगा जिसमें जिसकी वैल्यू होगी 3, और अकॉर्डिंगली हम डब्ल्यू निकाल लेंगे इन सब के एरिया से, एरिया बाय एच से। तो हमें इसमें बस ये चेक करना है कि ए के अंदर ए कंटेन्स अ पेयर, ए कंटेन अ रेक्टेंगल विथ हाइट एच पर 2 है। हम क्या करेंगे, रिमूव दिस रेक्टेंगल रिमूव ऑल रेक्टेंगल्स हुज हाइट इज एच, नाउ चेक, अब हम चेक करेंगे जो बचे हुए रेक्टेंगल्स है उसमें हम चेक करेंगे कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, सॉरी उसमें हम चेक करेंगे कि जैसे हमारे पास अब ये वाला हमने वर्टिकल कट मारा था, तो हमारे पास अब हम हॉरिजॉन्टल कट मार सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कट मारने के बाद ये पॉसिबल होता है या नहीं, तो हमने हॉरिजॉन्टल कट मारा तो हमारे पास नई हाइट आ जाएगी एच कॉमा डब्ल्यू, नहीं भी था जाएगी डब्ल्यू, जैसे हमने पहले यहां पे देखा था। जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है, हमने पहले एक वर्टिकल कट मार दिया, तो इसकी इनिशियल हाइट एच थी और इनिशियल विड्थ डब्ल्यू थी। अब हमने ये वाला रेक्टेंगल रिमूव कर दिया, तो इसकी नई विड्थ क्या होगी, डब्ल्यू माइनस इसकी विड्थ, से करते हैं डब्ल्यू वन, W माइनस डब्ल्यू वन। तो हम वही वही करेंगे, हमारे पास नई विड्थ आ जाएगी W, जिसे हम W से W से इनिशिएट कर देंगे, W इज इक्वल टू W माइनस विड्थ ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। हम ऐसे इसमें भी चेक कर लेंगे, अब अगर इसकी वैल्यू अगर 2 आती है तो बस ये 2 रिटर्न कर देगा। अगर इसमें जैसे हमने चेक किया था, इसमें अगर रेक्टेंगल था ही नहीं कोई भी एच हाइट का, तो हम बस फॉल्स रिटर्न कर देंगे और सेम कोड हमारा पहला वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट भी हो जाएगा कि हाइट को हम एच रख देंगे। तो ए बी से वो सारे रेक्टेंगल हटा देंगे जिनकी वेट हेलो हमने हटा दिए, सारे रेक्टेंगल हटा देंगे जिनकी वेट डब्ल्यू है। और चेक कर लेंगे, अब इस बार चेक करेंगे कि वर्टिकल ऑपरेशन के लिए, जैसे a, 2, अब जैसे हमने पहले अब ये वाला ऑपरेशन हमारा हॉरिजॉन्टल था, तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन वर्टिकल होगा। तो हम चेक करेंगे कि h, w, इसे इन पैरामीटर्स के लिए चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं। तो हमारे पास नया h हो जाएगा h माइनस विड्थ हाइट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स।
remove rectangles, sorry, height of all remove rectangles. तो सेम अगर ये पॉसिबल अगर हम कोई भी रेक्टेंगल रेक्टेंगल है ही नहीं हमारे पास एरे में तो हम उसे फॉल्स रिटर्न कर देंगे. हमारे पास कोड सिंपली यही है पर हमने इसमें जैसे एरे से इंप्लीमेंट किया है तो जब भी हम चेक कर रहे हैं कि रेक्टेंगल पॉसिबल है या नहीं इस हाइट का तो हमें उसे हर बार इटरेट करना पड़ेगा तो वो ऑफ है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी. तो हम इस तो ये पास नहीं करेंगे कंडीशंस को. तो अगर हम इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर लाने के लिए हम इसमें सेट यूज करेंगे जिससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n into n log n. अब मैंने सेट इसमें कैसे यूज किया है वो हम इसमें अपने मेरे कोड में देखते हैं. ये वाला मैं ये मेरा कोड है. इसमें मैंने क्या किया है सबसे पहले एक पेयर में मैंने इनपुट ले लिया है सारे जो भी हाइट और विड्थ हैं अब उसमें से मैं मैक्सिमम हाइट और विड्थ निकाल रहा हूँ. अब जैसे और सम में मैं निकाल रहा हूँ टोटल एरिया उन सारे रेक्टेंगल्स का. अब जैसे हम इसमें चेक करेंगे कि हम इसमें दो इंस्टेंट देंगे कि अगर हमने पहला कट मारा है पहला जो कट मारा है हमने इसमें वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है. तो अगर हमने पहला कट अगर हमने हॉरिजॉन्टल मारा है तो जो हमारे पास इनिशियल पैरामीटर्स क्या होंगे मैक्सिमम विड्थ कॉमा हाइट और अगर हमने पहला कट मारा है जो वर्टिकल है तो हमारे पास क्या होगी रेक्टेंगल्स की मैक्सिमम हाइट कॉमा विड्थ. अब सेट यूज करने के लिए मैंने क्या किया है मैंने दो सेट्स बनाए हैं उसमें जैसे पहला सेट है उसमें मैंने एलिमेंट्स दिए हैं हाइट कॉमा विड्थ और रिवर्स ऑर्डर में जैसे मैंने नेगेटिव माइनस किया है तो फिर रिवर्स ऑर्डर में आएंगे. तो सबसे पहले इसके इंस्टेंस क्या हुआ जो भी रेक्टेंगल्स बचे हैं उनमें से वो रेक्टेंगल जिसकी हाइट मैक्सिमम हो ऐसी सेम S2 में क्या है वो वाला रेक्टेंगल जिसकी हाइट जिसकी विड्थ मैक्सिमम हो. तो मैंने इसमें ऐसे स्टोर किया है तो हम इसमें सॉल्व फंक्शन ये वाला फंक्शन देखते हैं चेक करने के लिए. तो चेक करने के लिए मैंने क्या किया है हर बार S1 S2 और हाइट कॉमा विड्थ में पैरामीटर्स दे रहा हूँ पर और अब अगर S1 की साइज जीरो है मतलब कि कोई भी रेक्टेंगल बचा नहीं है हमारे पास तो हम बस ट्रू रिटर्न कर देंगे. पर ऐसा नहीं है तो हमें चेक करना पड़ेगा अगर हमारे पास जो ऑपरेशन है वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है. अब अगर इटरेटर वन है हमारे पास तो मतलब हम वर्टिकल ऑपरेशन लगा रहे हैं तो अगर हमने वर्टिकल कट किया है तो हमारे पास क्या बनेगा एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी हाइट एच होगी. तो हम अब वो हाइट जो एच है हमारे पास वो हाइट मैक्सिमम होगी जैसे हम इसमें भी देख सकते हैं जो हमारे पास पहला रेक्टेंगल हमने कट लगाया था उसकी अगर हमने वर्टिकल कट लगाया जो रेक्टेंगल बनेगा उसकी हाइट मैक्सिमम होगी. तो हम इसमें क्या करेंगे S1 में से वो वाला रेक्टेंगल निकालेंगे जिसकी हाइट मैक्सिमम है. अब चेक करेंगे अब उसकी हाइट एच के इक्वल है या नहीं अगर एच के इक्वल है तो हम वो वाला रेक्टेंगल रिमूव कर देंगे और विड्थ में भी न्यू विड्थ में से भी. तो हमने ये सब किया अगर ऐसा पॉसिबल था ही नहीं एक भी रेक्टेंगल ऐसा पॉसिबल नहीं था तो जैसे हमारी न्यू विड्थ आई है अगर न्यू विड्थ पुरानी विड्थ के इक्वल आ जाती तो हम फॉल्स रिटर्न कर देते पर ऐसा नहीं है तो हम रिकर्सिवली से कॉल करेंगे. अब जैसे हमने पहला कट वर्टिकल लगाया था तो हम इसे हॉरिजॉन्टल कट के लिए चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं. अब अगर ये पॉसिबल है तो हमारे पास एक ट्रू रिटर्न हो जाएगा हमें पता चल जाएगा कि ये वाला केस पॉसिबल है. तो ऐसे ही हम दोनों केसेस के लिए चेक करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट के लिए उससे हमारे पास जो आंसर आएगा हमें उस आंसर से हमें पता चल जाएगा कि कितने पॉसिबल इनिशियल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास. तो इसका कोड था अप्रोच इसकी काफी आसान थी कोड में थोड़ा सेट का यूज करना था इसलिए थोड़ा हार्ड लग सकता. तो ये था एक्सप्लेनेशन एबीसी राउंड 86 एबीसीडी का. थैंक यू ऑल हैव अ नाइस. अगर किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ लो.
कैन यू प्लीज शेयर योर सबमिशन लिंक? हाँ ओके, कैन यू प्लीज रिपीट द प्रॉब्लम डी? ओके अर्थम, कैन यू प्लीज टेल डू यू वॉन्ट लॉजिक और कोड? ओके लॉजिक, ठीक है. तो हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं. जैसे क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, इसकी हाइट हमें, इसकी इनिशियल हाइट हो सकती है h, इसकी इनिशियल हाइट हम मान लेते हैं h है और w है. तो हमारे पास इसमें क्या ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं? सबसे पहले हम या तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल कट, वर्टिकल कट मार सकते हैं. हमने इसे ऐसे मार दिया, हमने इसे मान लो वर्टिकल कट मार दिया, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी हाइट होगी h. अब हम ये कह सकते हैं कि जो वाला रेक्टेंगल होगा इसकी हाइट मैक्सिमम होगी, क्योंकि अगर हम मान लो इसमें कोई भी और कट मारते हैं तो उसकी हाइट h से कम ही होगी. तो हमें पता चल गया h मैक्सिमम हाइट है. और हम ये भी कह सकते हैं अगर हमने पहला जो कट मारा था वो वर्टिकल था तो कम से कम एक रेक्टेंगल जरूर होगा जिसकी हाइट h होगी, एटलीस्ट वन रेक्टेंगल होगा जिसकी हाइट h होगी. तो हम इससे पता चल जाएगा कि h की वैल्यू क्या है, हम इससे निकाल सकते हैं कि h की वैल्यू है क्या. तो हम उसके लिए हमें पास क्या करना होगा, जो भी हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं, जैसे हमारे पास इसमें तीन रेक्टेंगल हैं, तो हमें पास उनकी हाइट का मैक्सिमम लेना है. तो उनकी जो हाइट का मैक्सिमम होगा वही h की वैल्यू होगी. h की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ हाइट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स. अब ये बात ध्यान रखना है, ये हम उस केस के लिए कह रहे हैं जब हमने पहला कट वर्टिकल मारा था. जब हमने, अगर हम ये बोलते हैं कि हम पहला कट हॉरिजॉन्टल मारा है तो उसमें अलग होगा. तो हम बस अभी उस केस की बात कर रहे हैं जब पहला कट वर्टिकल हो. तो अगर पहला कट वर्टिकल है तो हम उसकी हाइट की वैल्यू पता चल गई कि अगर ये वाला केस पॉसिबल है कि पहला कट वर्टिकल था तो इसकी हाइट की हाइट होगी मैक्सिमम ऑफ ऑल द हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स. तो अब इससे हमें हाइट पता चल गई इस रेक्टेंगल की. अब सेम हम विड्थ निकाल सकते हैं. अब विड्थ का हमें फॉर्मूला पता है, एरिया बाय हाइट होता है, एरिया बाय हाइट विड्थ का फॉर्मूला होता है. तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं? अब जैसे हमें पता है ये रेक्टेंगल है, हम इसे कितने पीसेस में पार्ट दें, तो जो पीसेस का इंडिविजुअल एरिया है उसका सम इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा. तो हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास ये सारे रेक्टेंगल्स हैं छोटे छोटे, हम इनका एरिया निकालेंगे और उनके एरिया को सम कर देंगे. उससे हमें फाइनल एरिया, जो बड़े वाले रेक्टेंगल है उसका एरिया मिल जाएगा. तो इस लॉजिक से हमने एरिया निकाल लिया और हमारे पास h पहले ही है, तो हमारे पास w भी आ गया. तो हमारे पास इनिशियल रेक्टेंगल की हाइट और विड्थ पता चल गई. अगर ये रेक्टेंगल पॉसिबल है तो इसकी हमें पता है कि हाइट h होगी, विड्थ w होगी. जैसे हम इसमें ये देख सकते हैं कि इस वाली केस में इन तीनों रेक्टेंगल्स में से इन तीनों रेक्टेंगल की मैक्सिमम हाइट है 1, 1, 1, 3, 1, तो मैक्सिमम हाइट होगी 3. तो हमें पता चल गया कि अगर ये रेक्टेंगल पॉसिबल है तो इसकी हाइट होगी मैक्सिमम 3 और इनका टोटल एरिया क्या है, 2 + 15 + 3 = 20. तो एरिया पता चल गया हमें 20 है. और हाइट 3 थी इसकी. तो अगर हम 20/3 करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है इंटीजर नहीं है. तो ये केस तो हमें वैसे ही पता चल गया, वैसे ही पॉसिबल नहीं हो सकता, हमें इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ऐसे हम इसमें तो ये पॉसिबल नहीं था, तो हम इसके लिए देखते हैं दूसरा केस के लिए 1, 1, 1, 3, 1. तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम हाइट पॉसिबल क्या है, तीनों की 1 है, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 1. अब इसकी हाइट 1 आ गई. अब एरिया क्या है, 1, 1, 1 तीनों का, तो एरिया भी 3 आ गया. अब हमें हाइट पता चल गई और एरिया पता चल गया, तो हम ऐसे ही विड्थ निकाल सकते हैं. विड्थ क्या हो जाएगी, एरिया बाय 3, एरिया बाय हाइट, तो विड्थ भी 3 आ गई. तो हमें पता चल गया कि अगर हमने पहला कट वर्टिकल माना था तो फिर जो नया हमारे पास रेक्टेंगल था इनिशियल, उसकी हाइट 1 रही होगी और विड्थ 3 रही होगी. तो हमें पता चल गया इनिशियल रेक्टेंगल ऐसा होगा. तो हम उसमें क्या करना है, हमने पहला वर्टिकल कट मारा, हम उसमें वो सारे रेक्टेंगल्स निकाल देंगे जिनकी हाइट 1 हो. तो हमारे पास तीनों रेक्टेंगल्स की हाइट 1 है, तो हमारे पास 2 कट्स लगाने हैं बस. तो हम ये कर सकते हैं, हम 2 कट लगाने के बाद
हमारे दो कट लगा सकते हैं और उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो ये केस पॉसिबल है, 1.3 वाला केस पॉसिबल है जिसमें हाइट 1 हो और विड्थ 3 हो। अब ऐसे ही हम दूसरे वाले केस के लिए चेक करेंगे विड्थ को हाइट के लिए, ऐसे ही हम दूसरे वाले केस के लिए भी चेक कर सकते हैं कि उसमें हमारे पास उसके हमारे पास आ जाएगी हाइट 3 विड्थ 1। अब वो वाला केस भी पॉसिबल है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया, इसके लिए इसका आंसर दोनों केस पॉसिबल आ जाएंगे, 1.3 है 3.1 दोनों आ जाएगा। अब ये तो सिंपल सा केस हो गया। अब मान लो सिर्फ हमारे पास वर्टिकल कट लगाने से काम नहीं चल रहा होता, हमें दोनों कट का यूज करना था, तो हम कैसे करेंगे? तो हम ये मानते हैं ये रेक्टेंगल है, हम इसकी हाइट ऑफ विड्थ हमने इसकी हाइट ऑफ विड्थ कैलकुलेट कर ली थी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वो सारे रेक्टेंगल्स निकाल देंगे जिनकी हाइट एच है, हमने सारे रेक्टेंगल्स रिमूव कर दिए, ठीक है। अब मान लेते हैं हम इनकी टोटल विड्थ डब्ल्यू वन थी, इनकी टोटल विड्थ डब्ल्यू वन थी, तो हमारे पास अब जो भी रेक्टेंगल्स बचे हैं उन सबकी हाइट एच से तो कम ही होगी, तो हम क्या करेंगे, हाँ तो हम और वर्टिकल कट नहीं मार सकते, तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन क्या बचा है, वर्टिकल कट। अब जैसे हमारे पास सिर्फ ये रेक्टेंगल बचा है, हमने इसमें एक वर्टिकल कट मारा, तो हमें ये पक्का पता है कि एक रेक्टेंगल तो ऐसा जरूर बनेगा जिसकी विड्थ डब्ल्यू इतनी हो, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन, ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगल जरूर बनेगा ऐसा जिसकी विड्थ डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन हो। तो ऐसे हम सारे रेक्टेंगल्स निकाल देंगे जिनकी विड्थ हो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन, हमने वो कर दिया, तो अगेन वो हमारे पास आ जाएगा कि एक रेक्टेंगल जिसकी हाइट इतनी हो। तो ऐसे ही हमें ये ऑपरेशन रिकर्सिवली परफॉर्म करते रहेंगे, और उसके बाद हम तो फाइन हमने निकाल लेंगे कि हम जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं वो सारे पॉसिबल है या नहीं इस रेक्टेंगल से एच कॉमा डब्ल्यू से, तो हमारे पास ये निकल आएगा, तो हम उसमें बस चेक करते रहेंगे कि पॉसिबल है या नहीं। अब जैसे हमारे पास ये था कि हमने ये किया था, जैसे सारे रेक्टेंगल सबसे पहले हमने रिमूव कर दिए जिनकी हाइट एच थी, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास रेक्टेंगल बचा है उसमें से कोई रेक्टेंगल है नहीं जिसकी विड्थ डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन हो, सारे कोई सा रेक्टेंगल नहीं है जिसकी विड्थ डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन हो, तो हमारे पास ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं होगा, तो हम इसमें हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो बस हमें दो केस के लिए चेक करना है, उससे हमें पता चल जाए, उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके माय आईडी, This is not the idea I use. This is my old idea. मुझे आज discussion लेना था, तो फिर आज div 1 और div 2 था, तो अगर मैं अपनी main ID से मैं candidate master हूँ, तो अगर मैं उससे देता, तो फिर मैं ये वाला contest नहीं दे, मैं discussion नहीं ले पाता, क्योंकि मेरे को ये अभी नहीं solve किए होते, तो इसलिए मैंने उससे solve किया था, तो मैं वो वाली ID भी share कर देता हूँ। ओके, किसी और को कोई डाउट है? मैं थर्ड ईयर में हूं, ओके, अगर किसी को डाउट्स नहीं है तो फिर हम सेशन ऐड करते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।